हेलो, टुडे वी विल सी अबाउट क्लस्टर्स इन ओरेकल डाटाबेस। क्लस्टर इज़ ए स्कीमा ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। सो क्लस्टर इज़ बेसिकली लाइक अ लॉजिकल एंटिटी दैट कंटेन्स स्कीमा ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, रोज एट्सेट्रा, एंड इट कंटेन्स डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, ऑल ऑफ विच, दैट मीन्स ऑल ऑफ द टेबल्स, सो ऑल ऑफ विच हैव वन और मोर कॉलम्स इन कॉमन। सो ऑल ऑफ विच हैव वन और मोर कॉलम इन कॉमन। सो दिस इज अ क्लस्टर। वी विल सी हाउ वी कैन क्रिएट क्लस्टर, हाउ वी कैन ऐड अ टेबल टू ए क्लस्टर इन अ मोमेंट। बट बिफोर डूइंग सम प्रोग्रामिंग पार्ट, लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टर ऑल्सो। देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टर, इंडेक्स क्लस्टर एंड हैश क्लस्टर। इंडेक्स क्लस्टर सेज इट मस्ट कंटेन मोर देन वन क्लस्टर एंड ऑल ऑफ टेबल्स इन द क्लस्टर हैव वन और मोर कॉलम्स इन कॉमन। एंड वेर एज हैश क्लस्टर कैन कंटेन वन और मोर टेबल्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड हैश क्लस्टर। यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ बोथ इंडेक्स एंड हैश क्लस्टर। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन क्रिएट क्लस्टर यूजिंग कमांड्स। सो टू क्रिएट अ क्लस्टर, यू हैव टू राइट क्रिएट क्लस्टर, देन द नेम ऑफ क्लस्टर। सपोज आई एम गिविंग क्लस्टर वन, देन स्पेसिफाई द कॉलम, क्लस्टर की कॉलम। हेयर आई एम गिविंग एज डिपार्टमेंट, दिस इज द डाटा टाइप ऑफ द क्लस्टर की कॉलम, द साइज ऑफ द क्लस्टर एंड स्टोरेज पैरामीटर वैल्यूज। यू हैव टू स्पेसिफाई स्टोरेज पैरामीटर वैल्यूज ऑल्सो। इनिशियल वैल्यू आई एम सेटिंग एज 100K एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू विल बी 50K। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ क्लस्टर। दिस इज द नेम ऑफ द क्लस्टर, दिस इज नेम ऑफ द क्लस्टर, दिस डिपार्टमेंट इज द क्लस्टर की कॉलम, ओके। नाउ हाउ वी कैन ऐड अ टेबल टू अ क्लस्टर। टू ऐड अ टेबल टू अ क्लस्टर, यू हैव टू राइट द कमांड लाइक दिस। फर्स्ट यू हैव टू राइट क्रिएट टेबल, टेबल नेम सपोज T1, देन राइट दिस क्लस्टर। सो आई एम राइटिंग क्लस्टर C1, डिपार्टमेंट ID एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इज 10। सो इट विल क्रिएट अ क्लस्टर C1 with cluster key as department ID and contain data from employee table where department ID is 10. So this is how you can create cluster and associate a table with a cluster. This question can come in the theory exams as define cluster, what are the different types of cluster, and mention commands to create cluster or to associate tables with the cluster. Thank you.